सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता शुक्ला एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अब जब आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियोस देख देख के बोर हो चुके होंगे, तो चलिए अब तो कुछ मेंस की बात करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने के पहले थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मेरी वॉइस की बड़ी तारीफें की हैं। थैंक यू सो मच, यू ऑल मेड माई डे। एंड अब करेंगे हम मेंस की बात। अच्छा हाँ, एक और बात, ये जो स्ट्रैटेजी है वो मैं फॉलो कर रही हूँ वाली स्ट्रैटेजी है। तो जिनके भी प्रिलिम्स में मार्क्स मेरे मार्क्स के अप्रॉक्स हैं, मेरे मार्क्स के लगभग हैं, वो इस स्ट्रैटेजी में से जो भी अच्छा लगे आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर जिनके नहीं भी हैं, जिनको जो भी अच्छा लग रहा है वो फॉलो कर सकते हैं। मैं किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ये स्ट्रैटेजी करनी है या ये फॉलो करना है, ये सिर्फ मेरी स्ट्रैटेजी है, जिसको अच्छी लगे फॉलो कर लीजिए। ये इसलिए बोला है ताकि लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये ना कहें कि तुम्हारा कौन सा मेंस निकल गया है जो स्ट्रैटेजी बताने आ गई। सो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, डिस्क्लेमर ख़त्म होता है। माय स्ट्रैटेजी फॉर सीजल मेंस 2023, इसी पे बात होने वाली है आज। हाँ जी, तो ये तीन पॉइंट्स हैं और इन्हीं तीन पॉइंट्स में हमारी पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, देखते रहिए। सो एनालाइज़ आंसर की, जिनका भी लास्ट ईयर मेंस हुआ है वो लोग अपने मेंस वाली आंसर की एनालाइज़ करेंगे। जिनका पहली बार मेंस है वो लोग अपनी प्रीलिम्स की और जितनी भी लाइक प्रीलिम्स के जितने भी पेपर्स आए हुए हैं ना, वो सारे एनालाइज़ करेंगे। स्पेशली अपनी वाली आंसर की एनालाइज़ करनी है ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं, और उन वीक पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। एक अच्छा खासा जो आपने वो मॉक वाला रजिस्टर बनाया होगा, अभी मैं वो भी आगे बताऊँगी, उसमें उन पॉइंट्स को, अपने वीक पॉइंट्स को आप नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन द रिमेनिंग सिलेबस, और इस चीज़ को भी नोट डाउन करेंगे कि आपका सिलेबस कितना कितना बचा हुआ है। अच्छा आप कहेंगे सिलेबस कैसे पता बचा है जो प्रिलिम्स निकाल के आ रहे हैं। होता क्या है ना, कहता है हर कोई है कि मेरा सिलेबस हो गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी का कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिलेबस कम्प्लीट हो। बहुत रेयर केस में होता है कि हाँ बिल्कुल सिलेबस कम्प्लीट है। तो जिनका सिलेबस नहीं कम्प्लीट है, जैसे मेरा, मैं बताती हूँ क्या है मेरे में। मैथ्स में अगर बात करें तो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस जो है वो मैंने कभी नहीं पढ़े, और अगर उसमें बात करें जीएस में बात करें तो इकोनॉमिक्स मैंने नहीं पढ़ी है। मैंने साइंस भी, मेरी काफ़ी कुछ बची हुई है, बायोलॉजी वगैरह। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना, टॉपिक वाइज या कुछ भी है, वो सिलेबस हम लिख लेंगे जो कि हमारा बचा हुआ है अभी, जो हम ज़रूरी है पढ़ना। आगे करें चैप्टर वाइज चीज़ों की बात, तो मैथ्स में हमें क्या करना है, रिवाइज ऑल द चैप्टर्स। कैसे रिवाइज करेंगे, मैंने ऑलरेडी हर वीडियो में लगभग मैथ्स के लिए एक ही बुक बताई है कि किरण पब्लिकेशन की वो चैप्टर वाइज वाली बुक जो होती है उसमें, क्योंकि आप मेंस का पेपर दे के आए हैं, आपकी काफ़ी अच्छी प्रीलिम्स का निकाल के आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन होगी मैथ्स की। तो आपको क्या करना है, बस उसमें से जो चैप्टर्स में स्टार्टिंग वाले पेजेस में जितने भी फॉर्मूलाज थियोरम्स या जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी आपको रिवाइज़ करनी है, या फिर आपके अपने नोट्स हो तो आप वो भी रिवाइज़ कर सकते हैं। जो भी है आप अपने रिवाइज़ कर लीजिए सारे चैप्टर सारी थ्योरम्स, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपको लगेगा अरे ये तो मैं भूल गई थी, या ये तो मैं भूल गया था। ऐसा फोकस ऑन पी वाई क्यूज़ पर बिल्कुल फोकस करिए, क्योंकि मैथ्स ही है, कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, घुमा फिरा के वही पुराने क्वेश्चन पूछने हैं इनको। तो अगर पी वाई क्यूज़ अच्छे से कवर कर रहे हैं तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चंस, हाँ इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना है कि हमें ये ध्यान देना है कि लेटेस्ट कौन से आए, जैसे कि लास्ट ईयर मेंस में स्टैटिस्टिक्स नया चैप्टर ऐड हुआ था, उसके क्वेश्चंस आए थे, और इस बार जो है वो एक चोर पुलिस वाले बड़े क्वेश्चंस आ रहे थे। तो ये इस चीज़ पे फोकस करिए कि अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें कैसे कैसे, जैसे कि स्टेनो का एग्ज़ाम हो गया, सीपीयू का एग्ज़ाम हो गया, सीपीओ का एग्ज़ाम हो गया, तो इन सब में आपको ये देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस टीसीएस पूछ रहा है। इसके बाद में प्रैक्टिस लेंदी क्वेश्चन, मैंने लास्ट ईयर दिया था मेंस सीजीएल का, तो उसमें एक चीज़ थी कि मैथ्स का पेपर बड़ा इजी था, मैथ्स का पेपर बहुत इजी था, लेकिन दो से तीन क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि लेंदी डाल दे रहे थे। वो टफ कुछ नहीं था, लेकिन दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं कि लेंदी डाल देते सो दैट बच्चे फंस जाएँ और वो सही से ना दे पाए। स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये नया चैप्टर है, लास्ट ईयर ऐड हुआ है, तो इससे क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं, बनेंगे ही। एक प्रोबेबिलिटी भी है चैप्टर, उससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन मेंस में बने थे और इस बार भी बनेंगे। बात करें रीजनिंग की, तो ये चार पॉइंट हैं, और बस इन्हीं चार पॉइंट्स में 90% लोग क्वेश्चन गलत कर रहे हैं और करेंगे इस बार भी। ये नया एक तरीका आया है, रीजनिंग थोड़ी थोड़ी जो है बैंकिंग की साइड में जा रही है। सिटिंग अरेंजमेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, किसी भी बैंकिंग के मॉक्स में
आप रीजनिंग में जाके सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर नहीं आ रही है तो एक अंकुश लांबा करके सर हैं यूट्यूब पे, वो रीजनिंग पढ़ाते हैं बैंकिंग की, तो उनका ना बस पहला पहला लेक्चर देख लीजिएगा सिटिंग अरेंजमेंट का, बस आपको उतना ही काफ़ी, उसके बाद आप खुद करने लगेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें बैंकिंग का एग्ज़ाम नहीं देना है, तो बस उतने से आपको सिटिंग अरेंजमेंट आ जाएगा। अंकुश लांबा सर है। बात करें फिगर सीरीज़ क्वेश्चन, हाँ फिगर सीरीज़ क्वेश्चन काफ़ी टफ आ रहे हैं, वो नहीं आता है एक ऐसे बॉक्स बना होगा और यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे पूरे पूरे बने होंगे, फिर दूसरे में वो पता नहीं कैसे अलग से चेंज हो जाता है, तो वाले क्वेश्चंस, उसके सारे रूल्स या किस किस तरीके से वो होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको धीरे धीरे पैटर्न समझ में आने लगेंगे। नंबर एनालॉगी काफ़ी टफ़ आती है, वो 3 डिजिट्स वाली नंबर एनालॉगी जो हो जाती है ना, काफ़ी टफ़ आ रही है, तो ये भी करनी पड़ेगी। ये TCS ने नई चीज़ें निकाली हैं रीजनिंग को टफ बनाने के लिए। एक कॉज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन होता है, उसमें देख देते हैं कि ये कॉज है, इसकी वजह से ये इफेक्ट हुए हैं, फिर पूछते हैं कि इनमें से कौन से इफेक्ट आपको सही लग रहे हैं कि हो सकते हैं, तो ये भी थोड़ा सा आपकी लॉजिकल पावर पे, आपकी समझ पे होता है कि आप कितना समझ पा रहे हैं चीज़ों को, कैसे एनालाइज करते हैं। आगे बात करें GS की, कंप्लीट द रिमेनिंग सिलेबस एज सून एज पॉसिबल। GS में क्या है कि हमारे बहुत सारे, हो सकता है किसी के बहुत सारा ही GS का सिलेबस बाकी हो, तो भाई पूरा कंप्लीट करने के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आप उनको जितना शॉर्ट वे में टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका एंशियंट कंप्लीट नहीं है, तो एंशियंट में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हो जाते हैं, कांग्रेस सेशन कर लीजिए, गांधी नेहरा कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुए हैं गांधी नेहरा में वो कर लीजिए, और क्या कर सकते हैं आप, यही सारी चीज़ें। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगता है, वो तो पॉलिटी में ही आ जाता है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मॉडर्न हिस्ट्री से मैंने पहले भी एंशियंट बोल दिया था शायद, कोई बात नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री से आपको, अगर आपका नहीं कंप्लीट तो इस तरह से आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके चलिए। और दूसरी चीज़, आपको अगर सिलेबस बहुत ज़्यादा बचा है, कंप्लीट ही नहीं है, तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, मैंने बताया था ये परमार SSC का यूट्यूब चैनल है, ये लोग PYQ सीरीज़ चला रहे हैं मेन्स वालों के लिए, तो एक PYQ सीरीज़ चला रहे हैं, दूसरी एक चीज़ क्या चली, हाँ निट्टो सीरीज़ चल रही है, तीसरा है एक और है जिसकी पॉलिटी नहीं कंप्लीट है, सुबह 11 बजे जाकर लाइव इनकी क्लास पढ़ लो, 11:30 तक शुरू करते हैं। बात करेंगे स्टैटिक जीके कंप्लीट पढ़नी ही पड़ेगी, क्वेश्चन मेरा कमेंट में मैंने पूछ देखा था, क्वेश्चन आया था कि जीके क्या कंप्लीट पढ़नी, स्टैटिक जीके कंप्लीट पढ़नी क्या, अब करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि देख तो रहे हैं कैसे, हाँ अगर टाइम नहीं है, बाकी सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी डांसर्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, अवार्ड्स हो गए, नोबल प्राइजेस जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाले, वो सारी चीज़ें तो पढ़नी पड़ेंगी। और क्या बात करें, हाँ करेंट अफेयर्स 1 साल का करना है, उल्टा चलेंगे क्योंकि प्रीलिम्स आप देख के आए हैं, करेंट अफेयर्स काफ़ी कंप्लीट होगा, लेकिन उसके बावजूद जो जो नहीं कंप्लीट है आप वो भी करेंगे। टॉपिक वाइज भी अगर आपका बिल्कुल कंप्लीट है करेंट अफेयर्स, एकदम हर महीने का आप करते जा रहे थे, एकदम कंप्लीट है, तो आप क्या करिए, अब टॉपिक वाइज कंप्लीट करना शुरू करिए। फिर परमार SSC, हाँ जिनका जिनका भैया सिलेबस नहीं कंप्लीट है, परमार SSC के जाके PYQ सीरीज़ देखने लगी, और उनकी 5-6 क्लासेस हो चुकी हैं, 6 लेक्चर्स हो चुके हैं मैं कर रही हूँ, तो जिसका नहीं कंप्लीट है, GS कमज़ोर है, वो कर सकता है। बात करेंगे इंग्लिश की, इंग्लिश में वो क्या बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, वो क्या सारी पुरानी पूछी जा रही है, तो वो तो ब्लैक बुक से हो ही जानी है हमारी, तो वोकैब के लिए ब्लैक बुक हो गई। रीडिंग आर्टिकल्स, अच्छा हाँ ये तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, इसमें भी बता देती हूँ कैसे होगा। भाई देखो रीडिंग आर्टिकल्स में क्या करना है, हमें आर्टिकल तो रीड करना ही है, अब हम कहाँ से रीड करें, कुछ भी थोड़ा ना रीड करेंगे, लेकिन हमें वाली लैंग्वेज रीड करनी है जो एग्ज़ाम में आती है, और वो मोस्टली हमें न्यूज़पेपर में मिल जाती है। अब न्यूज़पेपर में कैसे, हम हमारे घर में तो आता नहीं है इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर आप कहेंगे, तो आपको क्या करना है कि तो जितने भी लोगों का जियो का नंबर है, सिम है, वो लोग क्या करेंगे, जियो न्यूज़ के ऐप पे जाके या जियो न्यूज़ की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करेंगे। जब आप जियो के नंबर से लॉगिन करते हैं तो आपको ना बहुत सारे न्यूज़पेपर मैगजीन सब फ्री मिल जाते हैं, जिसमें से एक हिंदुस्तान टाइम्स भी आपको फ्री मिल जाता है, आप उसमें से आर्टिकल न्यूज़ जो भी सही लगे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में तो आपका ये रीडिंग आर्टिकल्स वाला सॉल्व हो जाएगा। मॉक्स एज मच एज पॉसिबल एंड क्विजेस, ये दोनों पॉइंट एक साथ कवर करेंगे हम लोग। कैसे होंगे मॉक्स, आपको देने ही देने हैं, क्विजेस कैसे देनी है, देखिए इंग्लिश में आपको कहीं पे भी पेन पेपर तो ज़रूरत पड़ता नहीं है टेस्ट देने के टाइम पे,
तो आप क्या करिए, जब भी कहीं बस में हैं, छत पे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, इधर उधर कहीं पे भी हैं, जिस टाइम पे आप फ़ोन चला सकते हैं, तुरंत आप टेक्स्टबुक का ऐप खोलिए, वहाँ पे क्विजेस में जाइए या लाइव क्विजेस में जाइए, आपको कोई ना कोई इंग्लिश का मिल ही जाएगा, किसी भी एग्ज़ाम का मिल जाए, बस उनको करते जाइए। कुछ नहीं मिलेगा, बैंकिंग के उसमें चले जाइए, मॉक टेस्ट में, कोई भी IPS क्लर्क भी हो, कुछ भी उठा लीजिए, उनका इंग्लिश का सेक्शनल मॉक उठा लीजिए और उसको आप करिए। जितने ज़्यादा आप इंग्लिश के मार्क्स देंगे, इंग्लिश उतनी ज़्यादा ईजी हो जाएगी आपके लिए, और इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगी आपको सिलेक्शन दिलाने में, और रैंक दिलाने में कौन करेगा? GS। तो जिनको सिलेक्शन से काम चल जाए वो इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, और जिनको रैंक भी चाहिए तो वो सिलेक्शन का तो सोच ही रहे हैं, लेकिन रैंक के लिए आपको GS पढ़ना पड़ेगा। बात करेंगे पिनाकल। हाँ, पिनाकल अच्छी बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, आप इंग्लिश के लिए पिनाकल को देख सकते हैं। अब बात करेंगे ओवरऑल स्ट्रैटेजी की, कि आपको कैसे कैसे ये सारी चीज़ें करनी हैं। पहली बात तो आप जब डेली मॉक्स दे रहे हैं, या आप 2 दिन में एक बार मॉक दे रहे हैं, फुल लेंथ वाला या शॉर्ट लेंथ वाला भी दे रहे हैं, जो भी मॉक देंगे आप, कभी भी दे रहे हैं, उसका एक मोटा सा रजिस्टर या डायरी, मैंने तो मोटा सा रजिस्टर बना रखा है, तो उस जब आप एनालिसिस करते हैं ना, उसके बाद में जो भी चीज़ें हैं, जो भी नहीं आया, जो क्वेश्चन गलत है या नहीं आया, उनका जब आप आंसर्स देखेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा लगेगा कि इसमें यार याद करने वाली या लिखने वाली कौन सी बात है, ये तो पढ़ते ही याद हो गया, ये तो मुझे याद रहेगा, ऐसा नहीं होता है। आप भूल जाएंगे, और भूल जाते हैं तो क्या करना है, छोटी से छोटी चीज़ों, ईजी से ईजी चीज़ों आपको वो लिखनी है, सारे सब्जेक्ट्स की, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड GS, कोई भी हो, लिखना ही लिखना है। उसके बाद बात करेंगे डेली रिवीजन की। जितना भी GS का मैंने बताया, जो परमार SSC से पढ़ रहे हैं वो लोग, तो बहुत ज़रूरी है कि डेली रिवीजन कर लें जाके। और उसके बाद में डोंट फॉरगेट अबाउट कंप्यूटर एंड डाइविंग, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, कंप्यूटर में तो बिल्कुल भी नहीं टपकना, इन दोनों में टपक गया तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं पाके स्ट्रैटेजी का, तो ये भाई फोकस करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना है? कंप्यूटर हम पढ़ेंगे किसी भी PDF से, स्पेशली RBE रेगुलेशन वेमशर वाली PDF हो गई, या वहीं पर राधिका मैम की पूरी प्लेलिस्ट है, उससे आप पढ़ सकते हैं, जिसको जो भी सही लगे, क्योंकि कंप्यूटर सब एक ही जैसा, सब सेम ही पढ़ा रहे हैं, और ऐसा कोई खास, कोई एक स्पेशल पर्सन कोई भी छप्पर फाड़ नहीं पढ़ा रहा है, सब एक ही जैसा पढ़ा रहे हैं। और टाइपिंग, टाइपिंग के लिए कौन कौन से वो ऐप्स यूज़ कर सकते हैं? देखो भाई, मैं फ़िलहाल तो टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, करूँगी तो बता दूँगी, लेकिन लास्ट ईयर मैंने कौन सा करा था, मैं बता दूंगी, मुझे याद नहीं नाम। सो डोंट मेक न्यू नोट्स एनी मोर। हाँ जी भैया, अब नोट्स नहीं बनाए जाएंगे बिल्कुल भी, कौन से नोट्स नहीं बनाए जाएंगे, कौन से बनाए जाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा की। हाँ चलो भैया, हमको अगर मिडिवल हिस्ट्री नहीं कंप्लीट है तो चलो पूरी मिडिवल हिस्ट्री हम पढ़ेंगे ब्रीफली, और सबके अच्छे से नोट्स बनाएंगे। 2 महीने हैं, 2 महीने में अगर सही से आप पढ़ने जाएंगे तो क्या पता ख़त्म भी ना हो आपकी सिर्फ मिडिवल हिस्ट्री, तो इससे अच्छा है इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। जो PYQ वाले हैं या जो मॉक से रजिस्टर बनना है, बस यही सारे नोट्स बनेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाले, जो आपको ज़रूरी लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाने बैठ रहे हैं। PYQ फिर से वही पॉइंट आ गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करने हैं, उनके जो नहीं आ रहे हैं वो नोट्स बनाने हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पर फोकस करना है। एग्ज़ाम विल बी टफर देन 2022 मेंस, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि इस आधार पे पेपर मत तैयार करिएगा, इस आधार पे तैयारी मत करिएगा कि एग्ज़ाम जो है वो 2022 वाले मेंस जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम काफ़ी टफ होने वाला है, इसलिए क्योंकि वैकेंसीज हैं कम और बच्चों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है। अभी आपकी प्रीलिम्स की जो कट ऑफ आएगी तब आपको पता चल जाएगा कि जो कॉम्पिटिशन है वो कितना हाई है, तो ऑब्वियस ही बात है वो ये नहीं चाहेंगे कि कट ऑफ काफ़ी हाई चली जाए, इसलिए वो SSC वाले एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा सा टफ लेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करेंगे, स्पेशली इंग्लिश तो मुझे लग रहा है इस बार काफ़ी घुमाई जाएगी। बस इतनी सी बात है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, मेंस को बिल्कुल भी कुछ टाइम नहीं बचा है, और अब बहुत हो गया, मुझे मालूम है चाहे जितना कह लिया जाए, सब ने एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियोज़ देखी होंगी, लेकिन आप बस करिए, आप तो मेंस में लग जाइए, अब तो जब 1 महीने बाद रिजल्ट आना है, 1 महीना भी कहाँ बचा है, अब जब रिजल्ट आना है, आएगा, आप तैयारी में लग जाइए, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट।